मॉर्निंग बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे नागरिकों के अधिकार राइट्स ऑफ सिटीजन्स। इनके संबंध में इस वीडियो के अंतर्गत हम पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। नागरिकों के कौन कौन से अधिकार हैं, अधिकार परिभाषा भी इसके अंतर्गत हम बताएंगे। इसके अंतर्गत परिभाषाओं के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों के प्रकारों के बारे में भी इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिलेगी। मनुष्य अपने विकास हेतु जिन सुविधाओं की मांग करता है और वे समाज के लिए यदि कल्याणकारी होती है और राज्य संरक्षण व मान्यता दी जाती है वे अधिकार कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा अपने विकास हेतु जिन सुविधाओं की वह मांग करता है, ऐसी सुविधाओं की मांग करता है और वे मांग समाज के लिए यदि कल्याणकारी साबित होती है तो ऐसी स्थिति में राज्य उसका क्या करता है, राज्य उन मांगों को सुरक्षा प्रदान करता है और वो मान्यता देता है। मान्यता देने के बाद में वे मांग क्या बन जाती है, अधिकार बन जाती है। इस संबंध में अधिकार की जो परिभाषा है वह निम्नलिखित प्रकार से दी गई है, जिसके अंतर्गत पहली परिभाषा है वो इस प्रकार से है लॉस्की के अनुसार प्रथम परिभाषा है वो इस प्रकार से है, अधिकार स्वतंत्रता के लिए वह उचित दवा है जो कुछ कार्य है तो आवश्यक है। लॉस्की ने कहा कि अधिकार स्वतंत्रता के लिए एक ऐसी दवाई है जो कुछ कार्य करने हैं तो व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, ऐसी दवाई को हम क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। प्रोफेसर लॉस्की के अनुसार ये परिभाषा है। अब दूसरी परिभाषा है श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार। श्रीमती आर के शर्मा ने बताई है कि जीवन की वे परिस्थितियाँ जिनके अभाव में, ऐसी परिस्थितियाँ जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना उच्चतम विकास है वो नहीं कर सकता है, ऐसी परिस्थितियाँ क्या कहलाती है, अधिकार कहलाते हैं। मनुष्य के सामने ऐसी कई परिस्थितियाँ आती हैं जिनके अभाव में व्यक्ति को यदि अधिकार प्राप्त नहीं हो तो ऐसी स्थिति में वह अपना विकास नहीं कर पा सकते, ऐसी परिभाषा श्रीमती आर के शर्मा ने दी है। अब अधिकारों के भेद है वह तीन प्रकार के हैं। पहला है प्राकृतिक अधिकार, दूसरा है नैतिक अधिकार, तीसरा है वैधानिक अधिकार। इस प्रकार से हम प्राकृतिक अधिकार हैं। प्राकृतिक अधिकार के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राकृतिक अधिकार वे होते हैं जो मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। इसका समर्थन किसने किया है, होब्स लॉक और रूसो ने किया है, इन तीनों दार्शनिकों ने किया है। अर्थात उनका मानना है कि मनुष्य को सामाजिक बनने से पूर्व जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे अधिकार क्या होते हैं, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। ऐसे अधिकार प्राकृतिक अधिकार होते हैं जिनके ऊपर सभी व्यक्तियों का समान रूप से हक होता है। ये प्रकाश है, बिजली है, वायु है, धूप है, जल है आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश का सभी प्रयोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, हवा सभी जीव प्राणी लेते हैं, इसके अलावा धूप भी सभी के लिए आवश्यक है, उसके अलावा जल के ऊपर भी सभी व्यक्तियों का समान रूप से अधिकार है। इसके अलावा तो ऐसा अधिकार जो प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्राप्त होता है प्राकृतिक अधिकार कहलाता है। फिर नेक्स्ट है नैतिक अधिकार, वे अधिकार जो मनुष्य को जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए समाज द्वारा उसके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, ऐसे अधिकारों को हम नैतिक अधिकार कहते हैं। जो मनुष्य के नैतिक आचरण से संबंधित होते हैं ऐसे अधिकारों को हम नैतिक अधिकार कहते हैं। जिनके ऊपर राज्य की कानूनी सत्ता का कोई अधिकार नहीं, समाज की नैतिक शक्ति है वो उसके ऊपर अंकुश लगाती है। यदि व्यक्ति नैतिक आसन से भ्रष्ट होता है तो समाज उसे दंडित कर सकता है और ऐसी स्थिति में उसे समाज से बहिष्कृत भी कर सकता है। इसके अलावा इस नैतिक अधिकार का उद्देश्य है कि समाज के अंदर व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना है, तो इस पर ऊंचा उठाना है जीवन स्तर का ऊंचा उठाना है। वैधानिक अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति को कानून के द्वारा प्राप्त होते हैं वैधानिक अधिकार कहलाते हैं। पहला अधिकार कौन सा है, सामाजिक या नागरिक अधिकार, वे अधिकार जो मनुष्य को एक समाज का नागरिक होने के कारण समाज या समाज के द्वारा उसे प्राप्त होते हैं सामाजिक अधिकार कहलाते हैं। इसके अलावा राजनीतिक अधिकार, ऐसे अधिकार जो मनुष्य को राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत मिलने होते हैं राजनीतिक अधिकार कहलाते हैं।
जैसे कि राजनीति में भाग लेना, मत देने का अधिकार, सभी को समानता, राजनीति के अंतर्गत सभी समान रूप से भाग लेने की महत्वपूर्णताओं पर बल दिया जाता है। ऐसे अधिकारों के अंतर्गत ऐसे अधिकार राजनीतिक अधिकार कहलाते हैं, जिसके अंदर प्रत्येक समूह के व्यक्ति की राजनीति के अंदर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।